हेलो फ्रेंड, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपकी फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, और अब जो मालिनी ने चाल चली है वो इमली कैसे उल्टी करेगी, यानी कि मालिनी की चाल को कैसे मजा चकाएगी, यहाँ पर आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इमली पर लग चुका है बड़ा इल्ज़ाम, वो भी मालिनी ने लगाया है और प्रूव भी कर दिया घर वालों के सामने कि उसने जानबूझकर उसे गलत दवाई दी है। लेकिन यहाँ पर इमली अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए कुछ ऐसा करेगी जिसका अंदाजा भी मालिनी को नहीं होगा। इमली तो बेचारी उसके लिए राखी भी लेकर आई थी, और इस राखी के त्यौहार को और भी ज़्यादा स्पेशल और उन दोनों के एक दूसरे के लिए बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी। लेकिन मालिनी तो किसी और इरादे से ही आई है इस घर में, वो आदित्य और इमली को एक साथ देखकर बिल्कुल खुश नहीं है, और इसीलिए इमली को हमेशा के लिए आदित्य की जिंदगी से निकालना चाहती है और अपनी जगह बनाना चाहती है। अब इसका अंदाजा तो इमली को लग गया है, लेकिन वो कोशिश फिर भी कर रही है कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन मालिनी की ये चाल इमली की सारी उम्मीदों पर पानी फेर देती है, और इमली इतना ज्यादा हर्ट हो जाती है जब उस पर लगता है गलत दवाई देने का इल्जाम। तो इमली क्या करने वाली है दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं। इमली यहाँ पर जो मालिनी ने विटामिन की जो दवाइयां मंगवाई है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो कि उसको नुकसान पहुंचाए, लेकिन यहाँ पर इमली उन दवाइयों को खाकर ये प्रूव कर देगी कि उसने मालिनी को मारने की कोशिश नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इमली सबका विश्वास एक बार फिर से जीत लेती है जब ये दवाइयाँ वो खुद ही खा जाती हैं, और पूरी चाल मालिनी की उल्टी पड़ जाती है। क्योंकि यहाँ पर आदित्य भी सवाल कर बैठता है कि तुम एक दवाई इमली मालिनी को कैसे दे सकती हो जब वो उनके लिए है ही नहीं, और ये सुनकर इमली के होश उड़ जाते हैं। तो वहीं उसकी उसको सारी बात समझ में आ जाती है, माजरा समझ आ जाता है कि मालिनी ही आखिर ये जानबूझकर क्यों किया है। दवाइयाँ तो वो वही लेकर आई हैं जो उन्होंने रिसिप्ट में लिखी थी, लेकिन फिर ये चेंज कैसे हो गई, और इमली को सब बात समझ आ जाती है कि आदित्य की नजरों में गिराने के लिए मालिनी ने एक बार फिर से घटिया चाल चली है। तो दोस्तों यहाँ पर इमली इस तरह से प्रूव कर देगी कि वो दवाई खुद ही खा जाएगी जिससे कि मालिनी की चाल पूरी उल्टी पड़ जाएगी, और यहाँ पर इमली प्रूव कर देगी कि अगर वो दवाइयाँ उसको मारने के लिए लेकर आई थी, गलत दवाएं लेकर आई थी, तो फिर इमली खुद कैसे खा सकती है। तो यहाँ पर पूरा माजरा ही उल्टा हो जाने वाला है। अब देखना है कि मालिनी की ये चाल तो फेल हो जाएगी, और उसके बाद में आदित्य क्या फैसला करता है।